सो गाइस, अभी जो मैंने आपको क्लिप दिखाई, ये थी वो क्लिप जो जब मेरे नए नए स्केट्स आए थे और मेरे को स्केटिंग करने का बहुत सवाल हुआ हुआ था। तो और आज का वो दिन है जब मैं पूरी तरीके से स्केटिंग सीख चुकी हूँ, और बल्कि आज से नहीं, आज से कुछ दिनों पहले ही मैं सीख चुकी थी और आज मैं शूट कर रही हूँ कि मैं सीख चुकी हूँ। सो मैं आज इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपना ये डे आपके साथ शेयर करूँ, आपको बताऊँ कि मैं पूरी कम्प्लीटली स्केटिंग सीख चुकी हूँ। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप, मैंने स्केट्स पहन लिए अपने, और ये वही स्केट्स हैं जो आपको वीडियो में दिखाए। और फाइनली मैंने ये पर कर लिया। तो ये पर इसलिए कर लिया क्योंकि थोड़ा सा कम लोग हैं वहां पे, शायद मैं खत्म हो जाऊंगी। मैंने कहा था मैं खत्म हो जाऊंगी, खत्म टाटा। कोई बात नहीं, हार के आगे जीत है, हम फिर से ट्राई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का दिन तो मेरे लिए बहुत मजेदार रहा, और मैंने काफी दिनों बाद जो है स्केटिंग करी है और मुझे तो बहुत मजा आया। तो अगर आप भी मेरी तरह जो है स्केट सीख रहे हैं, स्केट सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए इनलाइनर स्केट्स बेस्ट हैं। बात मानो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, एंड कुछ स्केट्स होते हैं जिनको हम चलाते हैं थोड़ा सा कुछ देर में ना पैर में दर्द होने लगता है। दिस स्केट्स इज बेस्ट, ये बहुत अंदर से कंफर्टेबल हैं, बहुत अंदर से फ्लफी हैं, इनमें बिल्कुल डर नहीं होता। मैंने डिकैथलॉन ब्रांड के हैं ये स्केट्स और काफी अच्छी क्वालिटी है इनकी। तो अगर आप चाहें तो आप इन्हें डिकैथलॉन स्टोर से जाके भी बाय कर सकते हैं। मैंने तो
ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और जिस दिन मैंने ऑर्डर किया था उसके सीधा नेक्स्ट डे मेरे को ये मिल गए थे। एंड अगर आपको मेरी स्केटिंग्स मेरे स्केट्स पसंद आए, और अगर आपको इन स्केट्स का लिंक नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको इनका कमेंट आपको लिंक जरूर शेयर करूंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्टीमेट अरेना। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगर आपको लिंक मिला है नहीं तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी, एंड इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।